शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है शिष्यता क्या होता है? या हमने आपसे बात की थी ना मेंटरिंग रिलेशनशिप की, कि आपका कोई कौन होना चाहिए आपके ऊपर, एक्चुअली आपके साथ कौन होना चाहिए, आपका एक मेंटर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये क्या होता है कि डिसाइपलशिप जिस तरह से जिस तरह से हम इसको आज समझेंगे, ओके, जिस तरह से आज हम समझेंगे कि मेंटरिंग या डिसाइपलशिप किस तरह होती है, एक्चुअली हमारे चर्च में अब तक अच्छे से नहीं हुई है। अब तक हमारे चर्च में इस तरह का वातावरण हमने क्रिएट नहीं किया है, और हम चाहते हैं, मेरी उम्मीद है कि इनफैक्ट मेरे अपने खुद के जीवन में ये इतने सीरियसली नहीं हुआ, इनफॉर्मल लेवल पे मेरे विश्वास में आने के 2-3 साल तक किसी ने किया, उसके बाद फिर बिल्कुल छूट गया, फिर अभी 1 साल से कोई है एक व्यक्ति जो मेरे साथ बहुत ही डायरेक्टली बात करता है, लेकिन हमारे चर्च में, हमारे सत्संग में इस चीज़ का एटमॉस्फेयर, वातावरण नहीं है। मेरी जो उम्मीद है कि अगर हम इसको अपने वॉलंटियर्स में, सेवादारों में शुरू कर रहे हैं, तो हम इसको अपने पूरे चर्च में हमने इसको फैलाना है। हमने क्या सोच लिया है कि मेंटरिंग जो है, शिक्षा, शिष्यता का मतलब है शिक्षा देना, ओके, मतलब बाइबल सिखाना या वचन सिखाना, हमें लगता है कि ये टीचिंग देना, शिक्षा देना शिष्यता है या मेंटरिंग है, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ उसका एक छोटा हिस्सा है। बाइबल सिखाना, जो हमें समझ में नहीं आया बाइबल में से उसको समझा देना, वो उसका एक बहुत छोटा नहीं लेकिन है, इम्पॉर्टेंट लेकिन एक हिस्सा है, लेकिन मेंटरिंग बहुत कुछ है। ये डिसाइपलशिप बाइबल सीखने या सिखाने से भी ज़्यादा एक बड़ी चीज़ है। और मैं आपको, जैसे जैसे आप सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक दर्शन देना चाहता हूं कि आप जल्द अपने आप को तैयार करके हमारे चर्च में इस वातावरण को लागू करने के लिए आप में से हर एक की मदद चाहिए होगी। अगर हम इतनी अच्छी चीज़ को सिर्फ अपने तक रखेंगे तो ये उचित नहीं है, लेकिन अगर हमें अपने चर्च में ये एटमॉस्फेयर बनाना है तो उसमें आप सबकी मदद चाहिए। मैं आप लोगों को टारगेट दूंगा कि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग 4 या 5 या 6 महीने के अंदर अंदर आपको 1 या 2 या 3 लोगों को आपने शिष्य बनाना है, आपने मेंटर करना है, ठीक है। तो ये बहुत हम में से कुछ बातें हमने इधर उधर सुनी होंगी, लेकिन ये पूरा एक पूरा कलेक्टिव तरीके से इसको समझना, आज हम इसको अच्छे से, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने के लिए, जिस तरह मैं इसको समझ पाया हूं कि मसीही शिष्यता या मेंटरिंग ये क्या होता है। तो सामने देखें, क्या है मसीही शिष्यता? क्रिश्चियन डिसाइपलशिप इज द प्रोसेस बाय विच डिसाइपल्स ग्रो इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड आर इक्विप्ड बाय द होली स्पिरिट हु रिजाइड्स इन आर हार्ट्स टू ओवरकम द प्रेशर्स एंड ट्रायल्स ऑफ दिस प्रेजेंट लाइफ एंड बिकम मोर एंड मोर क्राइस्ट लाइक। ओके, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स बिलीवर्स टू रिस्पॉन्ड टू द होली स्पिरिट्स प्रॉम्प्टिंग टू एग्जामिन देयर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस एंड कंपेयर देम विद द वर्ड ऑफ गॉड। हिंदी में देखते हैं, मसीही शिष्यता, कोई जोर से पढ़ सकता है? मसीही शिष्यता वह प्रक्रिया है जिससे यीशु के शिष्य मसीह में बढ़ते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किए जाते हैं जो उनके दिलों में रहता है, ताकि वह अपने वर्तमान जीवन की कठिनाइयों और दबाव में विजयी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मसीह के समान बनते जाएं। इसके लिए शिष्यों को उनके अंदर पवित्र आत्मा के काम का सामना करना पड़ेगा और अपने ख्यालों, शब्दों और कर्मों को वचन की तुलना में देखना पड़ेगा। मसीही शिष्यता वो प्रक्रिया है। सो मसीही शिष्यता, डिसाइपलशिप या मेंटरिंग एक क्या है, सारे बोलें, एक क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? एक मतलब ये एक प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि आज हम बैठे, आप ना मेरी डिसाइपलशिप कर दो, 1 घंटा बैठे, होगी डिसाइपलशिप आपकी? हाँ जी हो गई। ये एक मीटिंग में होने वाली बात नहीं है। ये क्या है? एक, सारे बोलें, क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। ओके, तो मसीही शिष्यता या मेंटरिंग वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिससे यीशु के शिष्य मसीह में बढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, हमें मसीह में क्या करना है? पौलुस अपनी हर एक पत्री में क्या कहता है? बढ़ो, मसीह में बढ़ो, उसको और जानो, मसीह में बढ़ें और पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किए जाते हैं जो उनके दिलों में रहता है, ताकि
रिजल्ट क्या है, ताकि वो अपने वर्तमान जीवन की, इस जीवन की कठिनाइयों और दबाव, जीवन हम सब के लिए टफ है, हम सब की जिंदगी में प्रेशर्स होते हैं, चर्च में हमें वो प्रेशर ना हम दिखाना चाहते हैं, ना हमें ज़्यादा दिखाने का मौका मिलता है, दिखाना भी चाहे तो हमें दिखाने का समय नहीं मिलता है, और अगर हम समय निकाल भी ले तो चर्च में हर कोई केवल हमारी तरफ नहीं देख रहा है। तो चर्च के वातावरण में संडे शाम को या संडे सुबह, हफ्ते में एक बार जो सभा होती है, उसमें अपने जीवन के प्रेशर्स को हम ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे तो आके बल्कि अच्छा लगता है, लेकिन प्रेशर्स कहाँ शुरू होते हैं, जब मंडे अपने दफ्तर में जाते हैं, जब बुधवार शाम को घर में पैसों की किल्लत होती है, जब यू नो थर्सडे की रात को जब पति पत्नी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, जब शुक्रवार को शायद नौकरी छूट गई है, ये सारी चीज़ें, जब शनिवार को हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है और हमें लगता है कि हम किसको बताएं, और ऐसा लगता है कि हम तो टूट गए, नष्ट हो गए, बढ़ नहीं सकते आगे, जब हम बहुत आगे चल रहे हैं लेकिन हमारा पति या हमारी पत्नी पीछे हो रहे हैं, हमारे बच्चे मसीह में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये जीवन के, आप मानते हैं बाय द वे जीवन प्रेशर से भरा हुआ है? हम क्रिश्चियंस एक्चुअली नॉन क्रिश्चियन से कोई ज़्यादा अलग नहीं है इस चीज़ में कि हमारे जीवन में प्रेशर्स हैं कि नहीं है। मैं और मेरी पत्नी, हमारा अनुभव है, हमारी लाइफ में प्रेशर्स हैं, हमारे लाइफ में दबाव है, बहुत बार दो कलीसियाओं का दबाव मुझे महसूस होता है, बहुत बार लोगों, बहुत सारे प्रेशर्स और दबाव और लोगों की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, और अपने खुद की व्यक्तिगत चीज़ें, व्यक्तिगत पवित्रता में हमारे जो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें, ये आप सबके जीवन में है, मेरे जीवन, हम सबके जीवन में है। तो मसीही शिष्यता क्या करता है, ताकि वो हमारे वर्तमान जीवन की कठिनाइयों और दबाव में हम विजयी हो सकें। अगर हम किसी के साथ मेंटरिंग कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो हमारा, उसको हम गुरु शब्द बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओके, गुरु में नॉट बी अ परफेक्ट वर्ड, बट हम जस्ट एक उसको एक वर्ड दे रहे हैं, जो हमारा मेंटर है वो हमारा, उसको क्या बोलेंगे, हमारा गुरु, ठीक है। तो जो हमारा गुरु है, जो हमारा मेंटर है, वो इस काम में हमारी सहायता करेगा व्यक्तिगत रूप से, सुनो, जो पास्टर कर नहीं सकता। चर्च का पास्टर सबके लिए एक एक करके ये काम कर नहीं सकता, इसलिए आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत ही क्लोजली आपके जीवन को देखेगा और आपके जीवन के प्रेशर्स, आपके जीवन की कठिनाइयों में इस चीज के लिए आपके साथ युद्ध करेगा, ताकि आप उसमें विजयी हो सकें और थक के हार ना जाएं और पीछे ना हट जाएं, ओके। तो वो विजयी हो सके और ज्यादा से ज्यादा मसीह के समान बनते जाएं। इसमें आप कुछ बात नोट कर रहे हैं, कठिनाइयों और प्रेशर्स के बावजूद हमें मसीह के समान बनना है। बाय द वे, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने ट्रांसलेट किया है, कहीं से मैंने लिया है, लेकिन उसने बड़ी उचित बात लिखी है। मसीह के समान तो बनना ही है। जीवन टफ है, पैसों की दिक्कत है, घर में झगड़े चल रहे हैं, आत्मिक जीवन रूखा सूखा लग रहा है, कलीसिया में झगड़े हो रहे हैं, ये सब कुछ महसूस कर रहे हो, आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी मसीह के समान बनना है। जीवन की कठिनाइयों और दबाव में भी विजयी हो सकें और ज्यादा से ज्यादा मसीह के समान बनते जाएं। मैं ये सोचता हूं कि अगर मसीह के समान बनने की शिक्षा अगर आपसे और मुझसे छुपा ली जाती, हम बहुत गरीब होते। एक्चुअली हम आत्मिक रूप से गरीब होते, हमें उद्देश्य नहीं पता होता। धन्य समझो अपने आप को कि हम इस कलीसिया में हम सीख रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है हम यीशु के जैसे बनना है। किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, इस सच्चाई के बावजूद कि जीवन में दबाव और परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो मेंटर जो आपका मेंटर होगा, जो आपका गुरु होगा, जो आपको डिसाइपल करेगा, आपको मेंटर करेगा, वो इस चीज का ध्यान रखेगा कि ये बंदा अपने जीवन की कठिनाइयों, अपने व्यक्तिगत कमजोरियों, सब चीजों के बावजूद मुझे इसकी मदद करनी है कि ये प्रभु के समान बनता जाए। इसके लिए शिष्यों को, शिष्य कौन होगा, कौन होगा शिष्य, हम सारे शिष्य हैं, ठीक है, हमारा जो कोई भी मेंटर है उसके अधीन हमें, उनके अंदर जो शिष्य हैं, आप लोग हैं, मैं हूं, शिष्यों के अंदर पवित्र आत्मा के काम का सामना करना पड़ेगा। ये ऐसे क्यों लिखा है, इनफैक्ट इंग्लिश में लिखा है प्रॉम्प्टिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको अंदर से प्रॉम्प्ट करेगा, उजागर करेगा, आपको होश दिलाएगा, इस बात का सामना करना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ पवित्र आत्मा हमें कहना चाहता है, हमारे जीवन के हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पवित्र आत्मा सिखाना चाहता है। और अपने ख्यालों, हम सोचते क्या हैं,
क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, सोचने का आधार क्या है, किसको हम अलाउ करते हैं हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई हालात हो सकता है, वो कोई किताब हो सकता है, वो कोई और व्यक्ति को देख के उसका नकल करना हो सकता है, किसको हम अलाउ कर रहे हैं मेरे माइंड को भरने के लिए। पवित्र आत्मा उस चीज को पूछता है और उसका सामना करना है। हम अपने मन में क्या सोचते हैं, अपने शब्दों से क्या बोलते हैं और अपने कर्मों को वचन की तुलना में हम देखते हैं। वचन वचन हमारे सामने होगा, वो हमारा जो मेंटर होगा वो हमें वचन के अनुसार बताएगा, तेरा ये ख्याल अनुचित था, तेरा ये शब्द जो तूने उस बहन को बोला, तूने जिस तरीके से बोला, तूने जिस टोन से बोला, मेरे भाई मेरी बहन, वो वचन के अनुसार ठीक नहीं है। वो बेसिकली आपका दुश्मन होगा। मेरे पीछे बोलो, मेरा मेंटर मेरा दुश्मन होगा, क्योंकि दुश्मन क्या करते हैं, गलतियां निकालते हैं, करेक्ट। ऐसा मेंटर ढूंढना, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने ढूंढ लिया है, ऐसा मेंटर ढूंढना जो एक दुश्मन के समान आपके पीछे पड़ जाए और आपको उजागर करे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आपके अंदर आपके गलत ख्याल, गलत शब्द और गलत कर्मों को क्या करे, पर्दाफाश करेगा, आपको बोलेगा दिस इज नॉट राइट, ये ठीक नहीं है। इसलिए किसी बड़ी बड़ी सिस्टम, मेंटरिंग इज नॉट अ बड़ी सिस्टम जो आपको बस आपकी पीठ थपथपाता रहे, नहीं वो नहीं है। सो कुछ आइडिया मिल गया आपको इसमें से, क्या है मसीही शिष्यता? हालेलुया, हालेलुया, ओके। और इस प्रोसेस में जो हमने देखा है, इस प्रोसेस में हमें एक डिसाइपल चाहिए, आपका अपना व्यक्तिगत डिसाइपलर, हमारा गुरु चाहिए जो हमें डिसाइपल करेगा, जो हमें मेंटर करेगा, ताकि ये काम हमारे अंदर वो पूरा कर सके। किसी ने कहा है कि मेंटरिंग इज लाइक स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, कोई आत्मिक रूप से आपका माता या पिता बन जाता है। मेरे पीछे बोले आत्मिक माता या पिता। आत्मिक शिष्यता या मसीही शिष्यता इज लाइक स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, आत्मिक रूप से कोई हमारा पिता बन जाता है, हमारी माता बन जाता है, ताकि वो हमारी आत्मा का ख्याल रखता है। पौलुस भी बन गया था कलीसिया के लिए। मेरे मन में, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा तो नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि जो क्वालिटीज़ एक मेंटर में होनी चाहिए वो क्वालिटीज़ हम पौलुस में देखते हैं, और पौलुस पूरी कलीसिया के लिए मेंटर है। हालांकि यहाँ पे मेंटरिंग की बात हम कर रहे हैं वन टू वन, एक व्यक्ति को मेंटर करेगा, डिसाइपल करेगा, शिष्य बनाएगा, करेक्ट। लेकिन पौलुस एक्चुअली बड़े पैमाने पर पूरी कलीसिया के लिए मेंटर है, और उसी प्रकार वो उनको डील करता है। अच्छा काम करते हैं, सही काम करते हैं तो तारीफ करता है, गलत काम करते हैं तो पीछे पड़ जाता है, डांटता भी है, कलीसिया से निकाल भी देता है, फिर वापस कलीसिया में लाने के लिए एक माँ का दिल भी रखता है। तो जो आपका मेंटर होगा, जैसे पौलुस कहता है कि मैंने एक माँ के समान तुम्हारा पालन पोषण करती है, उस प्रकार मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, ओके। थोड़ा सा नीचे उतर आए और हम देखते हैं 11 में, पिता के समान व्यवहार करेगा, लेकिन आगे पढ़ो। तो एक जो मेंटर होगा वो एक आपका आत्मिक माता या आत्मिक पिता के समान होगा, जो आपको एक माँ के समान संभालेगा, पिता के समान रास्ता दिखाएगा, आपको डांटेगा, आपको प्यार करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको अर्ज करेगा कि तेरा चाल चलन ठीक होना चाहिए। कलीसिया में तेरा जीवन ऐसा है, और सबको आपका मेंटर आपको बोलेगा, सारे सुन रहे हैं, आपका मेंटर आपको बोलेगा अच्छा कलीसिया में तेरा जीवन अच्छा है, मैं नहीं मानता। एक्चुअली वो आपको ऐसे बोल सकता है, चर्च में संडे को तेरा जीवन उचित है, तेरा बिहेवियर उचित है, वो आपको बोलेगा। सपोज मैं प्रदीप मैं नहीं मानता, आप सारे गाने अच्छे से गाते हो, आप सबसे मिलते हो, आप पैसा भी काउंटिंग करते हो, प्रदीप आप खाना भी बांटते हो, जब आपकी ड्यूटी नहीं होती तभी भी आप हेल्प करने पहुंच जाते हो, शाबाश बेटा, लेकिन बेटा मैं नहीं मानता, मेरे को तेरे जीवन में घुसना है, और मेरे को ये जानना है कि तू ऑफिस में आने के बाद 7 बजे से लेके तू 11 बजे सोते, तू करता क्या है उस 7 और 11 के बीच में, तू सोमवार को तेरा प्लान दिखा मुझे, अच्छा तू इस प्रकार, समझ में आया, जीवन में घुसना दखलंदाजी नहीं है वो। लेकिन जब तक एक सर्टन लेवल की एक तरह की दखलंदाजी अगर होगी नहीं, तो मेंटरिंग वो कर नहीं पाएगा। जब तक आप अपने आप को अपने मेंटर के सामने खोल नहीं दोगे, सत्य नहीं बता दोगे, वो आपके जीवन में आपकी सहायता कर नहीं पाएगा। एक्चुअली हमारा जो समाज है, हमारा जो ये समय है, हम बहुत इमेज कॉन्शियस हैं, हम इस चीज के बड़ा ध्यान रखते हैं कि मेरी छवि कहीं खराब ना हो जाए, मानते हैं आप? हम सब चाहते हैं कि
इनफैक्ट कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई हमसे ये पूछता है हम आपके लिए किस बात के लिए प्रार्थना करें, तो जिस अपने जीवन के जिस एरिया में हम मेस्ड अप होते हैं, जहां पे हमको पता है हमको प्रेयर चाहिए, हम नहीं बोलेंगे, हम ना एक नीट एंड क्लीन प्रार्थना का विषय बोल देंगे, इस चीज के लिए प्रार्थना कर दो। बच्चों के कल से पेपर शुरू हैं, मसीही मैच्योरिटी बच्चों के पेपरों से प्रार्थना करने से कहीं बढ़ के होती है, जहां पे आप अपना अंदर का गन सबके सामने नहीं खोल सकते, आप ये मूर्खता करनी भी नहीं है, लेकिन अपने आपका जो गुरु है, आपका जो मेंटर है, उसके साथ पूरा विश्वास करना है और अपने जीवन का गंध, अंदर का जो कुछ भी है, उसके सामने उंडेल देना है, ताकि वो सही प्रार्थना कर सके आपके लिए। आप एक स्पिरिचुअल मेंटरिंग, सॉरी मेंटरिंग इज लाइक स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, कोई आपको मेंटर कर रहा है, कोई आपको शिष्य बना रहा है, मतलब आत्मिक रूप से वो आपका पिता या आपकी माता का रोल निभा रहा है। और शिष्य बनना और बनाना, शिष्य बनना, मेरे पीछे बोलो, शिष्य बनना और बनाना, ये हमारे महान आदेश का हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो आखिरी आदेश दिया था, स्क्रीन में नहीं है, एनीवे मत्ती 28 में हम सब जानते, तुम सब जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, शिष्य बनाओ। शिष्य बनाना हमारा काम है। इसका मतलब कोई है जो शिष्य बन रहा है, इसका मतलब आप और मैं क्या कर रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं। हम शिष्य बन रहे हैं, शिष्य बना रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं, शिष्य बना रहे हैं। पब्लिक लेवल पे शिष्य, देखो शिष्य ये कोई पाइप के अंदर जोर से आ रहा पानी नहीं है जो यहां पे पास्टर खड़ा हो जाएगा और सबके ऊपर उंडेलेगा और सब शिष्य बन जाएंगे। शिष्य इस प्रकार मास प्रोडक्शन नहीं किए जाते, क्या बोलूं, मास प्रोडक्शन मतलब बड़े पैमाने पर मशीनों से नहीं निकाले जाते। इवन कलीसिया में एक जगह जहां पे 200-300 लोग बैठे हैं, कलीसिया से वचन सुन सुन के शिष्य नहीं निकलते हैं, एक्चुअली शिष्य एक एक करके बनाए जाते हैं, एक एक करके। हम एक, कोई एक व्यक्ति मेरे जीवन में काम करे, फिर मैं मजबूत हो जाऊं, फिर मैं किसी एक व्यक्ति के जीवन में काम करूं। और ये सब कुछ पर्दे के पीछे होता है, यहां पे कभी नजर नहीं आएगा कि आप शिष्य बन रहे हो या बना रहे हो, पर उससे फर्क क्या पड़ता है। लेकिन शिष्य बनना ये महान आदेश का डोनो है कि नहीं है। हाँ, यीशु का महान आदेश विश्वासी बनाना नहीं है, क्या है, शिष्य बनाना है। ठीक है, विश्वासी केवल विश्वास करते हैं, लेकिन जो शिष्य है वो शिक्षाओं पर चलता है और शिक्षा को लेता है, उसके अनुसार वो बदल जाता है। किसी ने कहा कि अगर आप किसी को मेंटर कर रहे हो, अगर आप किसी को मेंटर कर रहे हो, तो इट इज़ लाइक वॉचिंग गॉड डेवलप अदर्स थ्रू यू एंड रिजॉइसिंग दैट दे आर बीइंग ब्लेस्ड एंड ग्रेटली यूज्ड बाय गॉड। मतलब ये उस प्रकार है जैसे अगर आप किसी को शिष्य बना रहे हो, ओके मान लीजिए स्वप्निल भैया सोनू को शिष्य बना रहे हैं, तो सोनू, तो भैया के लिए शिष्यता क्या हुई, इट इज वॉचिंग गॉड डेवलप अदर्स, ये देखना कि परमेश्वर, स्वप्निल भैया देखना चाहते हैं कि परमेश्वर सोनू भाई को यूज करे, इस्तेमाल करे, और परमेश्वर सोनू को डेवलप कर रहा है, उसकी उसका निर्माण कर रहा है, और स्वप्निल भैया इस बात में बड़े खुश हो रहे हैं। स्वप्निल भैया एक यीशु नाम सत्संग में एक एल्डर हैं, लेकिन वो इतने खुश हो गए कि सोनू ने 5 कलीसियाओं की स्थापना कर दी है, सोनू ने 10 लीडर खड़े कर दिए हैं, भैया अभी भी एक चर्च के एल्डर ही हैं, लेकिन उनकी खुशी इस बात में है कि सोनू, जिसके जीवन में उन्होंने काम किया है, आज सोनू बड़े पैमाने पर परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसके लिए स्वप्निल भैया को शायद सोनू की जिंदगी में शायद 6 साल तक लगातार काम करना पड़ेगा, शायद स्वप्निल भैया को 4 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी ताकि 5वें साल में कहीं जाकर सोनू को समझ में आए, लेकिन वो 4 साल भैया सोनू को छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार का मेंटर, इस प्रकार का गुरु आप सबके जीवन में एक एक करके होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू टुडे, इफ यू डोंट डू दिस, अगर आप नहीं कर रहे हो, यू आर अ लूजर। अगर आप इस प्रकार का डिसाइपल यदि आप अपने लिए नहीं, सॉरी इस प्रकार का गुरु यदि आप अपने लिए नहीं ढूंढ रहे हो, आप बहुत बड़े नुकसान में हो। आप बहुत छोटे से जीवन बड़े खुश हो रहे हो, आप छोटी सी तारीफ जो किसी ने आपकी कर दी उसमें आप बड़े फूल रहे हो, गदगद हो रहे हो, लेकिन आपके इतने से ही हो, आप बढ़ना नहीं चाहते हो। बट आई चैलेंज यू, इफ यू हैव अ टफ बट लविंग मेंटर,
जो सख्त हो लेकिन जो प्यार करने वाला हो, तो आपका जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा. नॉट बिकॉज उसके अंदर कोई पावर है, बट बिकॉज गॉड ब्लेसेस दिस प्रोसेस. उस मेंटर के अंदर, गुरु के अंदर कोई ऊर्जा नहीं है स्पेशल, बट जब परमेश्वर देखता है कि दो लोग अपने जीवन के लिए इतने सीरियस हैं, तो परमेश्वर उसमें आशीष देता है. सो दर्शन देखो आप अपने लिए, विजन देखो भविष्य में, देखो अपने लिए. किसी को देखना चाहते हो इस प्रकार जीवन में बढ़ते हुए? अभी तो हम बात कर रहे हैं कि आप सबको मेंटर करना है, आप सबको मेंटर होना है, कोई आपका गुरु हो, लेकिन कब तक रहोगे वैसे? ऑफकोर्स सारी उम्र वो चलना चाहिए, लेकिन अपने लिए भी एक दर्शन देखो कि आप भी किसी चर्च में, बाहर भी हो सकता है, बट हमारे चर्च में काफी लोग हैं जो, मैंने आपको क्या कहा, हमारे चर्च में 160-170 लोग तो हर संडे आते आते हैं. सिर्फ 30-35 लोगों के बीच में आप, हम ये शुरू कर रहे हैं. वो बाकी के, अगर हम 160 लगाएं, 30 लोग यहां पे हैं, 130 लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के जीवन में अभी प्रवेश रखना है. आपको समझ में आ रहा है मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं? आप इधर ही हो मेरे साथ? तो आप लोगों को दर्शन देखना कि आप भी किसी को इस प्रकार प्रभु में आगे बढ़ता हुआ देखो. उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत समय लगता है, बहुत दर्द भी होता है. हम देखेंगे आगे, थोड़ा सा मेरे को फास्ट जाना पड़ेगा. किसी ने कहा है कि मेंटरिंग इज सिंपली पॉइंटिंग पीपल इन द राइट डायरेक्शन एंड देन मेंटरिंग इज सिंपली पॉइंटिंग देम इन द राइट डायरेक्शन एंड वॉकिंग विद देम ऑन द जर्नी. किसी ने ऐसे कहा है कि मेंटरिंग क्या है, कि आप जो है लोगों को, अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाओ और फिर उसके साथ उस सही रास्ते पर चलो. वो भटकता है, पकड़ो वापस लेके आओ, लेकिन उसको सही रास्ता दिखाओ और चलो इसके साथ. इस समय आप सबको एक ऐसा मेंटर चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए और जो आपके साथ उस सफर में आपके साथ चल सके. जब आप थक जाएंगे, आपको हिम्मत देगा, उठाएगा. आप जब भटक जाएंगे, आपको वापस लेके आएगा, आपको अर्ज करेगा, जैसे पौलुस अर्ज करता है, आग्रह करता है. उस प्रकार का मेंटर अपनी जिंदगी के लिए ढूंढ लो. किस प्रकार का या कौन आपके जीवन में मेंटर या गुरु हो सकता है, बहुत कुछ मैंने बता दिया, लेकिन बेसिकली कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप इज्जत करते हैं और जिसके पास मसीह में आपसे ज्यादा अनुभव है और जो आपके लिए एक उदाहरण है, जिसको आप दूर से देख के उसकी तारीफ करते हो, उसके समान बनना चाहते हो, उसके साथ समय बिताना चाहते हो, उससे सीखना चाहते हो. वो व्यक्ति नॉर्मली आपसे ज्यादा विश्वास में आगे होगा नंबर ऑफ ईयर्स में कि, लेकिन हो सकता है वो आपसे कम समय में विश्वास में आया हो, लेकिन बहुत जल्दी प्रभु में आगे बढ़ गया हो. हम हर किसी से सीख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम यही सोचें कि जो 10 साल से विश्वास में है तो मैं 2 साल से विश्वास में हूं तो वही व्यक्ति मेरी, आम तौर पे ऐसा होता है. लेकिन अगर कोई है जो नया विश्वास में आपसे, आपके जितना पुराना नहीं है, लेकिन अगर आप उससे कुछ सीखना चाहते हो और आप उसकी इज्जत करते हो और आपने उसके जीवन में एक आदर्श को देखा है, तो उस व्यक्ति को आप अपना मेंटर बना सकते हो. दूसरा, जो आपके, जो आपको मसीही परिपक्व, मसीह में परिपक्व बनते देखने की उमंग रखता है. Somebody who wants to see you become mature in Christ, जो इच्छा रखता है कि आप मसीह में मैच्योर हो जाओ, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए. Who wants to see you mature in Christ? Open your Bibles to Colossians 1:28, Colossians 1:28. पौलुस चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में मैच्योर करके प्रस्तुत करना चाहता है. समझ में आ गया? अब सामने देखें, इसका समझ में आया क्या मतलब है? एक ऐसा बंदा चाहिए आपको आपके जीवन में जो परमेश्वर में, मसीह में, जो आपको मैच्योर बनता हुआ देखना चाहे और बोले, प्रभु ये देख, मैंने इस व्यक्ति को तेरे लिए ये बातें सिखाई हैं, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे ये सौभाग्य दिया. जो चाहते कि नहीं, आपका जो आज का लेवल है ना, ये आपका फुल मेजर ऑफ पोटेंशियल नहीं है, इसको आगे बढ़ना है. ये बहुत जल्दी खुश हो रहा है, इसी में खुश है ये, लेकिन इसको और बढ़ना है. इसके जीवन की ये बातें इसको नजर ही नहीं आ रही हैं, इसको लगता है ये बिल्कुल सही है, ये समझ नहीं पा रहा है, ये देख नहीं पा रहा है. उसको दिखाना है जो आपको मैच्योरिटी की तरफ लेके जाना चाहता हो. और कौन आपका हो सकता है जो लंबे समय तक आपके जीवन में निवेश कर सकता है? कम से कम स्टार्टिंग करने के लिए कम से कम 1 साल वो आपको पूरा कमिटमेंट के साथ आपको दे सके कि हफ्ते में एक बार आप उस व्यक्ति के साथ मिलें और बीच में बातचीत करते रहें. ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक जो आपके जीवन में निवेश कर सकता है. फिर जो ये देखना चाहता है कि आप प्रभु की योजना की पूर्ति हासिल करो.
मतलब प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई है, प्रभु ने आपको किसी काम के लिए चुना है, प्रभु ने आपके अंदर एक काम का पोटेंशियल डाला है, एक काम करने की सामर्थ्य आपके अंदर डाली है। ऐसा बंदा होना चाहिए जो उस योजना तक आपको, उसकी पूर्ति तक पहुंचा दे, जो उस काम के लिए आपको वहां तक, यू नो इंग्लिश में लिखा हुआ कि समवन हु हैज मेड अ कमिटमेंट टू सी यू ग्रो इनटू द फुल मेजर एंड पोटेंशियल ऑफ गॉड इन अकॉर्डेंस विद द कॉलिंग एंड विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की बुलाहट और इच्छा के अनुसार जिस मुकाम तक परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, आपके चरित्र में और आपकी सेवा में, दोनों चीजों में, चरित्र में और सेवा में, उसमें जो आपको वहां तक पहुंचते हुए देखना चाहता है, वो व्यक्ति जो आप पर बिलीव करता है कि ये बंदा कर सकता है, परमेश्वर में अगर बना रहेगा ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता है, और ये व्यक्ति सचमुच में अपने चरित्र में मसीह को दर्शा सकता है, ऐसा व्यक्ति कोई आपका मेंटर होना चाहिए। और जो आपके साथ, आपके गिर जाने पर जो आपके साथ धीरज रखे और आपके साथ आपके चरित्र के निर्माण के लिए काम करता रहे, पेशेंस होना चाहिए उस बंदे को आपके साथ कि आप गिरोगे और आप, लेकिन वो आपको उठाए और आपको दोबारा चलने के लिए आपको हिम्मत दे। और जो बीच मझधार में आपको नहीं छोड़ेगा, जो आपके मसीही सफर में आपको बीच में, शायद उसको आपसे जलन होने लग जाए, या शायद वो बोले कि यार ये तो बदल नहीं, इसको छोड़ो यार, कोई और लोगों को देखते हैं, लेकिन जो आपके मसीही सफर में आपको छोड़े नहीं, कम से कम तब तक ना छोड़े जितना उसने वादा किया है। उसने कहा है कि मैं 2 साल तक आपको मेंटर करूंगा, तो वो 2 साल तक अपना वचन रखेगा। जो आपको बीच मसीही सफर में आपको छोड़े नहीं, जो एक पिता या माता के समान आपके साथ जुड़ा रहे। अगेन वचन का भी टाइम नहीं है, लेकिन पहला तिमोथियस 1 मत खोलना, पहला तिमोथियस 1:2, दूसरा तिमोथियस 1:2 और तीतुस 1:4 में कहता है, मेरा विश्वास में मेरा बेटा। पौलुस इन लोगों को क्या कहता है? विश्वास में मेरा बेटा। आप बताओ कि आपका कोई है बेटा विश्वास में? और ये खतरनाक है अगला वाला, जो आपको आपकी सोच और शब्दों और कर्मों के लिए आपसे जवाब मांगे। ये प्रैक्टिकल है, ये वाला यहां तक थोड़ा सा ना थ्योरी था, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। और इस प्रकार आपके जीवन में ऐसा मेंटर होना चाहिए जो आपकी सोच को, क्या बोलते हैं उसको, उसको उसको देखे, क्लोजली देखे। ये नहीं कि वो आपके ऊपर जजमेंट ही पास करता रहे, मतलब वो आपको पहले तो उसको आपको जानना पड़ेगा अच्छे से, आपके जीवन की कहानी क्या है, आपका बचपन कैसे बीता, आप कब विश्वास में आए, आपके घर का माहौल कैसा था, कैसा है, आपके, आपकी कमजोरियां क्या है, पहले वो आपको जान ले, और फिर वो जैसे जैसे आपको जानेगा, फिर आपके जीवन में वो आपसे सवाल पूछेगा इस प्रकार के, आपकी सोच, आपके शब्दों और आपके, हेलो, आपके कर्मों के लिए आपसे जवाब मांगेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ क्रिश्चियन मेंटरिंग, या मसीही शिष्यता, या कोई आपको मेंटर कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका गोल क्या है? बड़ी सिंपल सरल भाषा में आपने हजार बार सुना होगा, वो यही है, आप यीशु के समान बन जाओ और यीशु के समान सेवा करो, यीशु के समान बन जाओ और यीशु के समान सेवा करो। आज के सेशन में वैसे हम जो फर्स्ट पॉइंट है उस पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि 2 पे ना हम बड़ा जोर देते हैं, आज नहीं देंगे हम जोर कि आपको सेवा, आप सेवादार हो ना, आज मैं सेवा की बात नहीं कर रहा, आज हम केवल फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, मसीह के समान हमें बनना है। ये क्रिश्चियन काउंसलिंग का, या क्रिश्चियन मेंटरिंग का, या डिसाइपलशिप का ये गोल होता है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ क्रिश्चियन टू बी मेंटर्ड बाय समवन? क्यों ज़रूरी है कि कोई ना, हर एक विश्वासी किसी ना किसी के द्वारा शिष्य बनाया जाए? वाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरी है ये? मैं चर्च तो आता हूं ना, मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूं, सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरी 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, संडे को मैं सीरीसी भी जाता हूं, शाम को वाईएनएस भी आता हूं, बीच में खाना के लिए भी हेल्प करता हूं, मेरे पास समय कहां है? आप क्यों ये उम्मीद मुझसे रखते हो कि मैं किसी के अधीन रह करके शिष्य बनूं? ये क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। समय निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मेरा अनुभव है, किसी भी काम के लिए समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, आपको भी समय निकालना बड़ा मुश्किल होगा। फिर बुधवार आ गया, फिर मिलना पड़ेगा उनके साथ, और ये वाला हफ्ता तो मेरा गड़बड़ गया है, तो इस बार तो निकल जाए, फिर आने वाले हफ्ते में ना पवित्र जीवन जीऊंगा ताकि हिम्मत मिल जाए मिलने की। यू लॉस्ट द होल पॉइंट, मतलब फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं रहा। जब बल्कि जो हफ्ता ज्यादा गड़बड़ गया, जो हफ्ते में 2 ही बार बाइबल पढ़ी, उसमें से भी 1 बार फोन पे, वो भी 2 मिनट, उस हफ्ते में ज्यादा मिलने की जरूरत है।
इस हफ्ते मैंने 5 लोगों को सुसमाचार सुनाया, अब मैं वेट कर रहा हूं वो कब मेरा मेंटर मुझसे पूछेगा, किसी को बताया कि नहीं प्रभु के बारे में। एक्चुअली ये मेंटरिंग ये बहुत बाद में आता है, पहले तुम्हारा चरित्र, और जब तुम्हारा चरित्र मजबूत होगा तुम चमकोगे प्रभु के लिए, और जब तुम चमकोगे तुम्हारी रोशनी दिखाई देगी। सो क्यों इंपॉर्टेंट है, हिंदी में पढ़ेंगे, हम आसानी से टूटने वाले बर्तन हैं। इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से लिखा है, हम आसानी से टूटने वाले बर्तन हैं। वैसे बाइबल क्या कहती है, हम कौन से बर्तन हैं, सारे बोले, हम किस चीज के बने बर्तन हैं, मिट्टी के। हम आसानी से टूटने वाले बर्तन हैं, कमजोर और जल्दी भटकने वाले हैं, इसलिए हमें कोई मेंटर चाहिए। पास्टर परमेश्वर ने नहीं चुना कि पास्टर कलीसिया के सब लोगों के बारे में सपना देखता रहे, वो काम ही नहीं है पास्टर का। हम आसानी से टूटने वाले बर्तन हैं और कमजोर और जल्दी भटकने वाले लोग हैं, हमें जवाबदारी का अनुशासन चाहिए। इंग्लिश इज परफेक्ट, वी नीड द डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डिसिप्लिन इटसेल्फ इज पेनफुल एंड नाउ ऐड टू दैट अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन इज लाइक जहर प्लस जहर, डबल मुश्किल है ये। हमें जवाबदारी का अनुशासन चाहिए। मैं ये कह रहा था अनुशासन अपने आप में कठिन है, ऊपर से जवाबदारी, पर ये चीजों का जोड़ मिलाकर के आपकी जिंदगी में आपको मजबूत होने के लिए जरूरी है। हमें जवाबदारी का अनुशासन चाहिए ताकि परमेश्वर के प्रति, बाय द वे व्हाई डू यू वांट अकाउंटेबिलिटी, ताकि परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के प्रति हमारा ध्यान सटीक रूप से लगा रहे। अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटर नहीं होगा ना, ये हो जाएगा, आप टूटने वाले बर्तन हैं, टूट जाएंगे, टूट के बिखरे रहेंगे, आपसे कोई जवाबदारी मांगेगा नहीं, आपको लगेगा मैं आजाद पंछी हूं, आपकी आजादी आपको खराब कर देगी। और जवाबदारी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, लोग हमसे पूछें, डायरेक्ट सवाल पूछें, परमेश्वर के प्रति क्या है, हम अभी हमने क्या देखा, ताकि हमारी जिम्मेदारियों के प्रति हमारी आंखें लगी रहें। तो क्या है हमारी जिम्मेदारी, अगेन वेरी सिंपल, बहुत बार सुना है लेकिन इस संदर्भ में देखना हमारे लिए लाभदायक होगा, अवर लव फॉर गॉड एंड अवर वर्शिप ऑफ हिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड अवर सर्विस टू अदर पीपल अराउंड अस, हिंदी में परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम और उसकी आराधना, परमेश्वर के प्रति दिस इज अवर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें लगता है परमेश्वर के प्रति मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मैं 10 लोगों को विश्वास में लाऊं और उनको बपतिस्मा दिलाऊं, और हम अपनी नजरों में मसीहा बन बैठते हैं, और हमें लगता है कि हमारे बिना परमेश्वर का राज्य बढ़ नहीं सकता, और हमें लगता है अगर मैं यहां से चला गया तो इस चर्च में ये काम मुझसे अच्छा कोई कर नहीं पाएगा, मैं बहुत अच्छे लेवल का सेवादार हूं, मेरी नॉलेज इस लेवल में बहुत अच्छी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी, आपकी पहली जिम्मेदारी आपकी सेवा नहीं है। जोर से बोल दें, मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी सेवा नहीं है। ओके, परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी पहली जिम्मेदारी है उसके प्रति हमारा प्रेम और हम उसकी आराधना करें, और फिर दूसरा, दूसरे लोगों के प्रति हमारी सेवा। आपका मेंटर आपको इन चीजों में उंगली करेगा, बात करेगा आपसे। शिष्यता का दाम क्या है, दाम मतलब आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, कठिन होगा। कौन कौन सी बातें होंगी जो आपके लिए कठिन होंगी, गुरु के लिए, जितने भी लोग यहां पे हैं, मैं मानता हूं कि कम से कम आप में से 6-7-8 लोग तो होंगे जो किसी ना किसी के लिए गुरु बनेंगे, लेकिन बाकी लोग भी सुने, क्योंकि आपको शिष्य बनना है, इन क्वालिटीज को अपने गुरु में देखना। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं सारे गुरुओं से जो दूसरों को मेंटर करेंगे। अगेन, ये कोई A to Z की लिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो मुझे लगी जो इंपॉर्टेंट है एज डिसाइपल आपके लिए, वो पहली बात है कि अपने शिष्य के लिए लंबे समय के लिए समर्पण करना पड़ेगा। ये उत्तेजना में आके लेने वाला फैसला नहीं है। चर्च में कुछ समथिंग न्यू इन द चर्च, कुछ नया हो रहा है हमारे चर्च में। आजकल आपके चर्च में नया क्या हो रहा है, हमारे चर्च में आजकल मेंटरिंग हो रही है। उस एक्साइटमेंट में आके, हाँ जी हाँ जी, मैं तो 10 लोगों को कर लूंगा मेंटर, नाम लिखवा दो मेरे को, और फिर दो हफ्ते में हवा निकल जानी है। लेकिन आपको, जो आप में से जो लोग जो गुरु, इनफैक्ट आप सारे सुनो, क्योंकि 6 महीने बाद तो आपको बनना है गुरु, हालेलुया, तो आपको लंबे समय के लिए अपने शिष्य के लिए समय निकालना पड़ेगा। यू मस्ट बी कमिटेड टू गिविंग टाइम
टू योर डिसाइपल, समय निकालना पड़ेगा। दूसरा, सख्ताई और प्रेम का संतुलन। डेफिनेटली आपने कभी कोच देखा है, स्पोर्ट्स कोच जो होते हैं उनके मुंह से शाबाश तो कभी निकलता ही नहीं ना, बहुत सख्त होगा आपके साथ। लेकिन वो गुरु को, जितने भी लोग हमें से गुरु बने, सख्ताई और प्रेम का बैलेंस बनाना जरूरी है। ध्यान रहे कि अंत में प्रेम लोगों को जीतता है, और दूसरा ये कि प्रेम ही है वो चीज़ जिससे मसीह ने हमको बदलना, मसीह ने हमें अपनी सख्ताई से नहीं बदला है ना, अपने प्रेम से बदला है। ऑफकोर्स मेंटरिंग एक अलग चीज़ है जिसमें सख्ताई का एक रोल होता है, वो करना है, लेकिन प्रेम का बैलेंस थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। दुख और निराशा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो शिष्य होते हैं बाय नेचर डिसअपॉइंट करते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बैलेंस ऑफ लव एंड ट्रूथ। मेरे पास एक कोट था, मैं भूल गया बाय द वे, इसके विषय पर, अबाउट बैलेंस ऑफ, ये जो सख्ताई और प्रेम का संतुलन, वो ये है, द मेंटरिंग प्रोसेस कैन सीम स्लो। ऐसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूं उसकी गति बहुत धीमी चल रही है। अगर मैं किसी, मान लो मैं अमन को मैं डिसाइपल कर रहा हूं, लेकिन अमन जिस स्पीड से मैं चाहता हूं अमन दौड़े वो नहीं दौड़ रहा है, तो वो बहुत, मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। यार ये कोई और दो मेरे को, यार ये मेरे से नहीं होगा, यू नो, ये वाली सोच आ सकती है। अमन मैं आपको नहीं बोल रहा बच्चे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। द मेंटरिंग मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अमन हमारी फ्राइडे की प्रेयर में आया, नन्ना सा लड़का आया करता था, आज हमारी सेवादार की टीम में बैठा है, खुदा का धन्यवाद हो। द मेंटरिंग प्रोसेस कैन सीम स्लो, बट देर इज नो शॉर्टकट फॉर इक्विपिंग पीपल टू बिकम थियोलॉजिकली अस्ट्यूट, गॉडली इन कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंट इन मिनिस्ट्री। मतलब समय लगता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, तीसरा क्या है, दुख और निराशा को झेलना, पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट। पेन और डिसअपॉइंटमेंट कब होगी, जब हमारा शिष्य हमें कभी कभी इग्नोर भी करेगा। बहुत पेन और डिसअपॉइंटमेंट होगी, मुझे हुई है मेरी जिंदगी में। कभी कभी वो आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, कभी कभी आपसे बदतमीजी से बात करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका मैं काम कर रहा है, वही तो मारना है आपको, लेकिन काम तो कर रहा है उसके अंदर। और कभी कभी उसका मैं आपके साथ ही काम करेगा, उसका अहंकार, उसकी ईगो आपके साथ काम कर सकती है। हो सकता है कि आप बहुत सीरियस हैं, आप अपने शिष्य के लिए फास्टिंग कर रहे हो, और आपका शिष्य, मीटिंग का टाइम हुआ 7 बजे, और बोले ओ भैया मैं तो भूल गया। समझ में आया? पेन एंड आपको दुख होगा कि यार ये व्यक्ति सीरियस है कि नहीं है। या फिर जब कोई ऐसा काम करेगा जिसकी आपने उससे उम्मीद नहीं करी थी, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बी प्रिपेयर्ड फॉर दुख एंड निराशा। तैयार रहो कि आपका शिष्य आपको दुख देगा, आपको निराश कर सकता है, और जब वो आपको निराश करेगा तो आप हताश हो जाएंगे। मींस पेन एंड डिस्करेजमेंट विल लीड, पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट विल लीड टू डिस्करेजमेंट। आप डिस्करेज हो जाएंगे, आपका गिव अप करने का मन करेगा। इसीलिए आपको लगातार प्रार्थना की बहुत बहुत आवश्यकता है। जिसको भी आप शिष्य बनाओगे उसके लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। लिखें अपने अपने उसमें लिस्ट में, और आपके डिसाइपल की भी प्रेयर रिक्वेस्ट जो वो आपको देता है उसको लिखें। फिर उसके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। यीशु ने अपने चेलों के लिए समय निकाला। यीशु अपने चेलों को केवल मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, यीशु अपने चेलों के साथ रहता था, और बंद कमरे में उन्हें अंदर की गुप्त की गहरी बातें बताता था, और फिर डांटता भी था। तुम्हें समझ नहीं आया, तुम अभी भी नहीं समझ सकते। इस प्रकार उसकी वार्तालाप अपने चेलों से चलती थी। समय, यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए समय निकाला। आपको अपने, यू मस्ट बी अवेलेबल फॉर योर डिसाइपल, जिसको आप शिष्य बना रहे हो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। और भावनाओं का निवेश होने दें। स्पेशली मैंने अलग से क्यों लिखा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ इमोशनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको बहुत दुख होगा, आपका रोने का भी मन करेगा। परमेश्वर, जैसे मूसा अपने लोगों को रास्ता बताता था, लोग सुनते नहीं थे, तो प्रभु के पास जाके ना रोता था, प्रभु के पास जाके अपनी भड़ास निकालता था। ये सब भावनाएं हैं, इसको करने दो, आने दो, क्योंकि ये आपके संबंध को और गहरा करेंगी। क्योंकि आप एक दिन उसके सामने, उसको टेबल पे बिठाओगे अपने शिष्य को, और आप उसकी आंखों में डाल के बोल सकते हो, तेरे लिए मैंने प्रभु के सामने आंसू बहाए हैं। और आपके संबंध की जो सच्चाई है
आपके शब्दों के बिना आपके चेहरे पर इतनी पावरफुल होगी कि वो उसकी जिंदगी में काम करेगी। इसलिए भावनाओं को डेवलप होने दें, टूटने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, हालेलुया। इनफैक्ट जब प्रभु ने हमें बोला है कि तुम जाके डिसाइपल बनाओ, प्रभु ने पहले क्या बोला था, मैंने आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ चेला बनाओ, और फिर क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अगर हम किसी को चेला बना रहे हैं, उस प्रोसेस में हम अकेले अकेले हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। लेकिन भावनाओं का निवेश होने दे, रोएं प्रभु के सामने जाके उस व्यक्ति के लिए। गुस्सा भी आता है तो वो भावना को भी, जस्ट आप रियल हैं, आप फेक नहीं हैं। और ये कोई आपकी ड्यूटी नहीं है जो, अच्छा यार 2 घंटे की मीटिंग चलो हो गई, अब चलो यार सपना यार जल्दी अच्छा सा खाना बनाओ, बहुत थक गया मैं तो, ऐसे नहीं। मतलब ये दिल का रिश्ता है, सचमुच में आप उस व्यक्ति को आपने पाल रहे हो, आप उसके पालनहार हो एक तरीके से, उसकी आत्मा को रास्ता दिखाने वाले। एक दिन आप सबको, नॉट एक दिन, जल्दी आप सबको ये काम करना है। तैयार हो आप सारे? और अंत ओके, अपने शिष्य का विश्वास कभी नहीं तोड़ना और उसकी बातों को गुप्त रखना। जब वो आपसे शेयर करेगा, आपका शिष्य यदि आपको कि अपने जीवन की बातें बताता है, कभी कभी फैसला लेना पड़ता है, अपने लाइफ पार्टनर को भी नहीं पता होना चाहिए वो बातें, इतनी गंभीर या गुप्त भी हो सकती हैं। नॉट, डोंट इवन लेट योर स्पाउस नो। सो बहुत उसका ट्रस्ट बना के रखना, कभी उसका ट्रस्ट तोड़ना नहीं। लास्ट, अपने शिष्य के लिए उदाहरण बनना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा है, इट इज मोर कॉट देन इट इज टॉट। मतलब वो आपके सुनने से वैसे भी नहीं सीखने वाला, वो आपको देखकर सीखेगा। इसलिए आप अपने शिष्य के लिए उदाहरण बनने के लिए समर्पण रखें। इसलिए आपको बहुत प्रेयर की आवश्यकता है कि परमेश्वर मैं उसके सामने अच्छा एग्जाम्पल बन सकूं, तू मेरी जिंदगी में काम कर, और आपके ऊपर भी। मतलब गुरु का भी एक गुरु होना चाहिए जिससे आप अपने जीवन की बातें करते हो। फटाफट जाएंगे शिष्य के लिए। हम सब के लिए कुछ बातें हैं। ट्रस्ट योर मेंटर, भरोसा रखो कि वो जो बंदा जिसने आपको मेंटर करने के लिए अपना समय दिया है ना, वो ही इज नॉट प्लेइंग गेम्स। अगर आप में से कोई है जिसके पास कोई आएगा कि क्या आप मुझे मेंटर कर सकते हो, तो आप उसको जब सचमुच में सीरियस हो तभी हाँ बोलना, वरना नहीं बोलना। यू बी फुल्ली प्रिपेयर टू बी समवन्स मेंटर वंस यू आर। जो बाकी शिष्य हैं, प्लीज पूरा भरोसा रखें कि परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा और वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। ट्रस्ट हिम। दूसरा, हैव एन एटीट्यूड ऑफ सरेंडर एंड टोटल ओपननेस। मतलब अगेन यहां पर मेरे सब जोर से बोलो, मेरी छवि, बोलो मेरी छवि। हाँ यार, इसको अगर मैंने ये वाली बात बता दी ना कि मैं ये काम करता हूं, तो बस मेरी तो इज्जत गई इसके सामने। और इसने ना किसी और को, लोग ऐसे ही होते हैं, बदल जाते हैं, सबको बता देगा। तो ऐसे करो, मेंटरिंग में ना ये क्या बोलते हैं उसको, ये ड्रामा नाटक करो, नाटक कि जो बातें आपको प्रॉब्लम नहीं कर रही है उन बातों को शेयर कर दो। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट हिज टाइम, बी ओपन। खुल के बताना, भैया या दीदी, जो कोई भी आपका मेंटर है उसको बोलना कि मेरी ये कमजोरी है, खुल के बताओ। आई टेल यू, आप देखना शुरू हो जाओगे कि हाँ यार मैं बेहतर होने लगा हूं, क्योंकि कोई होगा जो आपके साथ प्रैक्टिकली काम करेगा। Many believers are reluctant to make a commitment that they perceive may interfere with or limit their lifestyle or plans. उनको लगे कि यार ये अगर मैं इसका मेंटर, अगर ये व्यक्ति मेरा मेंटर बनने जा रहा है, मुझे अभी इसका डिसाइपल बनना है, चेला बनना है, तो यार मेरा जीवन थोड़ा सा ना सीमित हो जाएगा, मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा। क्या होगा अगर इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं तू ये काम मत कर, तो फिर मेरी आजादी रुक जाएगी। ये सारी चीजें ना आप सबके मन के अंदर आएंगी जब आप अपनी बातों को बताने का समय आएगा, और आप कुछ ना कुछ सोच आएगी जिसकी वजह से आप बातों को छुपाओगे। कुछ भी छुपाना मत, दैट्स द मेन द बॉटम लाइन, कुछ भी छुपाना नहीं है, खुल के उसको सब कुछ बताना है। और मैं आपकी बात बताऊं, जब आप किसी को बता देते हो ना, आप आजादी महसूस करते हो। ये नहीं कि आपको सिर्फ द फीलिंग लाइट इज नॉट द गोल, एक्चुअली वर्किंग इट आउट इज द गोल विच विल हैपन। गॉड इज गुड, खुदा महान है। इसलिए आप खुल के बताना, यू विल फील लाइट, और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको गाइडेंस मिल सकती है जो आपको नहीं मिलती अगर आप छुपाते।
और ध्यान रखो कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में लोगों के द्वारा बात करता है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में लोगों, और वो लोग ज्यादातर इस रिलेशनशिप में हमारा मेंटर वो व्यक्ति हो सकता है, होगा ज्यादातर, क्योंकि खुदा देख रहा है। परमेश्वर आशीष देता है हमारे हर प्रयास पर बेहतर होने के लिए ना, तो प्रभु देख रहा है कि इसका मेंटर अगर इसके साथ बातचीत कर रहा है तो चलो मैं इसके मेंटर के द्वारा इसको समझाऊं जरा कि तू ये काम मत कर, तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर हमें हमारे साथ लोगों के द्वारा ही काम करता है। इसलिए खुल के बताएं, सीरियसनेस, गंभीरता बहुत जरूरी है। अगेन वी आर नॉट गेटिंग इनटू अ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप, हमारे चर्च में कुछ नया हो रहा है, चलो इसका मैं भी हिस्सा बन जाता हूँ। थिंक थ्रू इट एंड देन स्टिक टू इट, यू गॉट टू बी सीरियस, गंभीर होना पड़ेगा आपको इस बात के लिए। फिर आपको उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। अगर आपको वो छोटे छोटे टास्क देगा, सपोज हो सकता है कि वो टास्क ये दे कि तू चिंता करता है, तू एक काम कर, मत्ती 6 का वो 23-24 जहां से भी लिखा हुआ है, तुम चिंता मत करना, तू एक काम करना, सुबह शाम 6 दिन तक इसको रोज पढ़ना, फिर पढ़ना आप उसको। ये तो बहुत इजी आज्ञा है वैसे, लेकिन और भी प्रैक्टिकली आपको बहुत सारी आज्ञा वो दे सकता है, ये काम मत करना या ये काम करना या उससे जाके मिलना या तू इस किताब का ये हिस्सा जरूर पढ़ना या और कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन आज्ञा माननी है आपको अपने मेंटर की, उसकी इज्जत करना, ओके, क्योंकि परमेश्वर देखता है, उसकी इज्जत करना। फिर प्रार्थना में उसके साथ मिलके प्रार्थना करना, खुद अपने लिए प्रार्थना करना, अपने मेंटर के लिए प्रार्थना करना, अपने मेंटर के भी स्ट्रगल्स के लिए प्रार्थना करना, अपने मेंटर के साथ आपके संबंध के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना करना प्रभु की जिस चीज को लेके मैं जूझ रहा हूँ अपने मेंटर से दुआ मांग रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ उसके साथ और काम कर रहा हूँ मैं उसके साथ, मुझे विजय दे उस चीज पर ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। परमेश्वर, यू नो, हैव अ जस्ट कीप प्रेइंग टू गॉड लगातार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसन एंड इंट्रोस्पेक्ट, नेवर गेट इनटू सेल्फ डिफेंस। मैंने अब हमारे चर्च में देखा है, ऐसा हुआ है जब हमने किसी से बात की, उनके जीवन का ये पाप या गलती या कमजोरी उनको बताई, तो हम उनको प्यार करते हैं, उनकी भलाई के लिए उनको बोल रहे हैं, ये नहीं सोचा, एकदम से कूद पड़े अपने आप को बचाने के लिए। हम तुमको अटैक करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। आपका मेंटर आपको अपनी गलतियां बताएगा तो आप अपने आप को सही साबित करने में, अरे वही काम करोगे जो दुनिया में सबके साथ करते हो, अपने मेंटर के साथ ही वही करोगे, देन व्हाट आर यू डूइंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। हेलो, इधर ही है सारे। तो अपने आप को सही दिखाने के लिए बस इन्होंने सोच कैसे लिया ऐसा मेरे बारे में। मोस्टली लोग जो हमारे बारे में देखते हैं, सुनो ध्यान से, सही देखते हैं, बस हम ही हैं जो सुनना नहीं चाहते और देखना नहीं चाहते। जो हमें अपने बारे में देख नहीं सकते, कोई और हमारे बारे में देख रहा है। एंड द बेस्ट पर्सन फॉर दैट वुड बी, अपार्ट फ्रॉम अवर स्पाउस, दैट पर्सन वुड बी अवर मेंटर। अब हमारे बारे में जो चीजें हम देख नहीं सकते, उन चीजों को हमारे जीवन साथी, हमारे पति पत्नी के अलावा हमारा मेंटर ही होगा जो देख सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, वो नोट कर रहा है हमारे ऊपर। इनफैक्ट जब आप वो काम कर रहे हो, गलत काम, या आप उस तरीके से बिहेव कर रहे हो जो वचन के अनुसार उचित नहीं है, वो ऑलरेडी रो रहा है, उसकी आत्मा तड़प रही है, मैंने ऐसा महसूस किया है, ऑलरेडी दुख होता है, ऑलरेडी परेशान हो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, ये व्यक्ति क्यों नहीं समझ पा रहा है, ऑलरेडी वो देख रहा है। और इसलिए जब वो आपके घर में, आपके कमरे में आपके पास आएगा तो सुन लेना उसकी, और अपने आप को, अगेन इट कम्स फ्रॉम द इमेज प्रॉब्लम ओनली, ये मेरी छवि खराब ना हो जाए मेरे मेंटर के सामने, ये वहीं से निकलता है। ध्यान रखना कि उसके शिकार ना कहीं आप हो जाएं। आप जो हो शीशे में वही दिखेगा, तो इसलिए अगर कोई आपको शीशा दिखाता है तो आप शीशा तोड़ोगे तो आप तब भी वैसा दिख रहे हो। तो इसलिए अगर कोई आपको बता रहा है कि तेरे अंदर एक कमजोरी है, तो धन्यवाद दो खुदा का कि आपको क्या बोलते हैं उसको, धार्मिकता में बढ़ने के लिए मौका मिल गया। हालेलुया,
उसका क्या फायदा जहां पर सब कुछ फेक होता है, जहां सब झूठी मुस्कुराहट देते हैं, झूठी भावना से हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, झूठी भावना से हमारे घर में रात को 12 बजे भी आ जाते हैं बर्थडे विश करने के लिए, झूठी भावना से हमारी पीठ पे थपथपा भी देते हैं, झूठी भावना से ये भी बोल देते हैं ओ या आई विल प्रे फॉर यू, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर कभी प्रार्थना नहीं करते। ऐसी दुनिया ऑलरेडी बहुत है। एक मेंटर होगा जो सच्चाई बोलेगा तुम्हें तुम्हारे मुंह पे, उसका धन्यवाद करो। एक्चुअली इट्स लिबरेटिंग। ये आजादी महसूस करने वाली बात है यार। कोई है जिसको मैं खुल के सब कुछ बता सकता हूं? हैव दैट वन पर्सन इन योर लाइफ। कंप्लीट ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ सब कुछ बताएं, कुछ ना छुपाएं, अपना दिल उंडेलें, अपना दिल खाली करें, जो कुछ आपके दिल में चल रहा है आप उसको बता दें। एंड लास्ट, हैव अ विजन फॉर योरसेल्फ, एंड समडे यू नीड टू डिसाइपल समवन एज वेल। हैव अ विजन, एक दर्शन रखो कि आपको भी जल्द से प्रभु के राज्य को सुंदर बनाना है, और केवल विश्वासी नहीं जीतने हैं। विश्वास में लाओ बपतिस्मा कराओ, विश्वास में लाओ बपतिस्मा, दैट्स नॉट व्हाट गॉड हैज कॉल्ड अस फॉर। शिष्यता में हमें लोगों को आगे, हमें शिष्य बनाना है। आप अपने लिए दर्शन रखो कि आप भी एक दिन किसी को शिष्य बनाओगे। पॉलुस जो था पूरी कलीसिया के लिए मेंटर था, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं 1-to-1, तो यीशु ने 1-to-1 मेंटरिंग करी है। यीशु ने अपने 12 शिष्यों की और अपने 72 शिष्यों की यीशु ने क्लोजली उन लोगों की मेंटरिंग करी थी। पॉलुस ने करी, फिलेमोन के लिए करी, तिमोथियस के लिए करी, तीतुस के लिए करी, मूसा और यहोशु बहुत साथ साथ मिलके काम करते थे। और किस प्रकार वो, आप मेरे को वचन आज तक याद है, उत्पत्ति 33 याद है आप लोगों को वचन? उत्पत्ति 33, जब मूसा पहाड़ पे चला गया प्रभु से मिलने, उसके पीछे पीछे बाकी कोई नहीं आया, लेकिन कौन गया पीछे पीछे? यहोशु चला गया, फिर वहीं बैठा रहा, और बाद में अपने अपने बॉस के, अपने गुरु के जगह पर परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, क्लोजली काम किया। आपके जीवन में कोई है? आपके जीवन में कोई मूसा है, या आपके जीवन में कोई यहोशू है जिसको आप अपने पीछे चला रहे हो, जिसको आप शिष्य बना रहे हो? या आपके जीवन में कोई मूसा है जो आपको सख्ताई के साथ पेश आता है और आपको तैयार कर रहा है, आपके चरित्र को शुद्ध करने के लिए आपके साथ मेहनत कर रहा है? इस प्रकार बाइबल में बहुत सारे संबंधों को हम देखते हैं। हाउ इज मेंटरिंग डन, किस प्रकार मेंटरिंग की जाती है? अगेन, मेंटरिंग इज डन फॉर कैरेक्टर एंड फॉर मिनिस्ट्री। जो मेंटरिंग है वो की जाती है आपके चरित्र के लिए, आपकी सेवकाई के लिए। मैं सेवकाई की बात नहीं कर रहा हूं आज, सेवकाई का प्रशिक्षण चलता रहेगा, लेकिन चरित्र के लिए हम बेसिकली पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति क्या करेगा जो आपका मेंटर है, वो आपके साथ किस बात पे जोर देगा? पढ़े, यीशु के साथ आपका संबंध कैसा है, बस। इट विल ओनली, दैट इज द बिगिनिंग, दैट इज द सेंटर, दैट इज प्राइमरी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द गोल, कि यीशु के साथ भाई तेरा रिश्ता कैसा है। इसी बात पर वो आपको लगातार जोर करेगा। जब यीशु ने अपने शिष्यों का मेंटरिंग किया, तो पता है यीशु ने उन लोगों से पूछा, तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूं? यही कहा। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि यीशु के साथ हमारा जो संबंध है, उसमें हम यीशु को क्या समझते हैं। यीशु मेरा कौन है? क्या वो मेरे जीवन का मालिक है? क्या मैं मालिक की तरह उसके साथ मैं रवैया रखता हूं? जीसस वॉन्टेड हिज डिसाइपल्स टू आइडेंटिफाई हु रियली जीसस इज, बिकॉज फ्रॉम देयर एवरीथिंग एल्स विल स्टेम आउट। तो यीशु मसीह का ये फोकस था कि पहले चेले यीशु को पहचान ले कि वो कौन है। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का पानी है। वो चाहता था कि लोग ये मेन बात समझ जाएं यीशु मसीह के बारे में। तो इसको, इस चीज के अधीन आपका मेंटर आपसे क्या पूछेगा? क्या आप बताओ, क्या पूछ सकता है इस टॉपिक के अधीन? वो आपसे क्या पूछ सकता है बताएं मुझे? आप बाइबल पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? एक व्यक्ति को मैंने पूछा और मैंने बोला कि आप बाइबल पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ, मैं भजन 23 रोज पढ़ता हूं। ठीक है, मैं भजन 23 रोज पढ़ता हूं, तो मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। अब मुझे बताएं कि अगर मैं उससे प्रेम करता हूं तो क्या भजन 23 में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो क्या प्रॉब्लम है फिर?
बाइबल और भी बहुत है। ओके और बताएं वो क्या पूछेगा, आप आपसे क्या पूछेगा, आपका आपका मेंटर क्या पूछेगा, आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है। अच्छा आमतौर पे हम क्या पूछते हैं, प्रार्थना का जीवन कैसा है, हाँ जी ठीक चल रहा है, वेरी गुड, सही चल रहा है। लेकिन मेंटर क्या पूछेगा, कितनी देर तक प्रार्थना की, कब से कब प्रार्थना की, किन किन चीजों के लिए प्रार्थना की तूने, तूने यू नो इस चीज के लिए प्रार्थना की, तूने इस चीज के लिए प्रार्थना की, तूने मुझे उस दिन बताया था ये चल रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या तू प्रार्थना कर रहा है उस चीज के लिए। मेंटर इस तरह क्या कुरेत कुरेत के भजन 139 की आत्मा से काम करता है, क्या अच्छे से जानकर का, अच्छे से जानकर जांच कर कुरेत कुरेत कर आपकी डिटेल जानकर आपसे। मुश्किल होता है पता है, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा ही मेंटर रखना जो सख्ताई से पेश आए। ओके देन फोकस ऑन पर्सनल प्रैक्टिकल होलीनेस, आपके व्यक्तिगत पवित्रता के बारे में वो आपसे पूछेगा, आपकी व्यक्तिगत पवित्रता के बारे में वो आपसे पूछेगा, आपकी आदतें क्या हैं, उन आदतों के वो आपको जानेगा और आपकी आदतों के आधार पे आपसे बहुत सारी बातें। वैसे आपका मेंटर ना आपको जानना चाहेगा एज अ पर्सन, आपका मेंटर आपको जानना चाहेगा, बहुत सारे सवाल आपसे पूछेगा। 6-7 जगह पढ़ के मैंने कुछ सवालों के लिस्ट बनाई है, मे बी ये सवाल शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं। किस प्रकार के सवाल हैं, आप मुझे अपनी गवाही बताएं, गवाही मींस क्या, मतलब सारे बोले गवाही का मतलब क्या हुआ, सरदर्द कैसे ठीक हुआ, वो गवाही मतलब क्या, आप प्रभु में कैसे आए, प्रभु के साथ आपका संबंध जुड़ा कैसे, बढ़ा कैसे, आपका मसीही जीवन का सफर बताओ मुझे। नॉट ओनली कि पहले मैं विश्वास में नहीं था, शराब पीता था, ये करता था, वो करता था, गालियां निकालता था, फिर मैं विश्वास में आ गया, अब तो मैं बड़ा अच्छा हो गया, नहीं वो वाली गवाही पूछेगा, विश्वास में आने के बाद अब तक तेरे को 6 साल हो गए हैं, इस 6 साल के बारे में मुझे बता, तू कैसे आगे बढ़ा, आगे बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, क्या तेरे स्ट्रगल्स हैं, वो वाली गवाही भी आपसे पूछेगा, आपके जीवन का एक्सपीरियंस अनुभव वो आपसे पूछेगा। आप बताओ, वो नहीं पूछ रहा तो आप बताओ, एंड टेल योर डिटेल्स टू हिम, टेल योर एक्सपीरियंस, टेल योर स्टोरी टू हिम। वो आपसे पूछेगा कि आपके घर का माहौल कैसा था बचपन में, जवानी में, आप कहाँ रहे, अकेले रहे, परिवार के साथ रहे, कौन कौन था। ये अच्छे सवाल हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मेंटरिंग रिलेशनशिप में। अगर आपका मेंटर आपसे नहीं पूछ रहा, आप इन चीज़ों को बताएं, ये एक कॉन्वर्सेशन है, उसमें शायद एक दूसरे को जानने में ये मदद होगी। आप अपनी गवाही बताएं, आपके घर का माहौल कैसा था, आपके माता पिता कैसे थे, विश्वास में थे, नहीं थे, दोनों थे, एक था, जो था वो कैसे आया विश्वास में, अगर आपके पापा कठोर थे तो बताइए वो कठोरता कैसी थी, क्योंकि उन चीज़ों का हमारे व्यवहार पर असर पड़ता है। बताना अपना अपना बैकग्राउंड आप बता सकते हैं, आपका बीता हुआ हफ्ता कैसे गया, क्या क्या तुमने किया, तुमने क्या पढ़ा इस हफ्ते में, फिर ये मत बोलना हाँ मैंने थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है थोड़ा सा पढ़ा, पढ़ा तो ना, लेकिन बता तो सही क्या पढ़ा, फिर पता चलेगा एक हफ्ते में एक ही वचन पढ़ा है, मतलब एक एक वचन, एक लाइन पढ़ी है, क्योंकि जब एक लाइन पढ़ी थी ना तब फोन आ गया था, फिर तो मुझे जाना ही पड़ा, स्टेशन जाना पड़ा, फिर तो मतलब सब्जियां लानी पड़ी, फिर बुखार हो गया, फिर बारिश आ गई तो घर के आगे पानी भर गया, यू नो व्हाट। तो खुल के बात करें, वो आपसे पूछेगा ये सारी चीजें, इस हफ्ते तूने इंटरनेट पे क्या क्या देखा, अगर तूने उचित चीजें देखी तो क्या तूने सारा समय इंटरनेट पे ही तो नहीं बिता दिया, कितना समय तूने बिताया, आई डोंट नो, दीज आर जस्ट अ फ्यू आइडियाज जो लोग दे रहे हैं कि जो हेल्प करती हैं जो चीजें। आप टेल मी अबाउट योर प्रेयर टाइम, प्रार्थना के समय के बारे में मुझे बताओ, आपका प्रार्थना का समय कैसा था, किन चीजों में आपको आजकल उलझन या कठिनाई महसूस हो रही है, हाउ इज योर कैरेक्टर बींग टेस्टेड दीज डेज, आपके आपके चरित्र में किस प्रकार आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, किस बात में आपको कठिनाई हो रही है, आपकी सेवकाई में आपके सपने, आपके दर्शन, आपके ड्रीम्स क्या हैं, क्या करना चाहते हो प्रभु की सेवा में, किस तरफ तुम्हारा रुझान है, किस तरफ तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो आपसे पूछ सकता है, कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इस तरह से वो इस सारी डिटेल की बातें आपसे पूछ सकता है। तुम्हारी कमियां क्या हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कमियां क्या हैं,
बहुत अच्छा सवाल मेंटरिंग के लिए, शिष्य बनाने के लिए बहुत अच्छा सवाल, बहन मुझे ये बताओ, भाई मुझे ये बताओ, आपकी कमियां क्या हैं। और फिर वो निरंतर पूछेगा, वो लिस्ट बनाएगा अपने पास, इसने ये कन्फेस किया, इसने ये कन्फेस। वो आपका पुलिसमैन नहीं है बाय द वे, वो क्या है, एक माता और पिता है। आपकी कमियों के बारे में वो आपसे पूछेगा, आपके ईमानदारी, आपकी वफादारी, आपकी इंटेग्रिटी के बारे में वो आपसे सवाल कर सकता है कि आप दिखाते तो कुछ, उस दिन तो आपने ये कहा था, उस दिन तो आपने ये कहा था। और क्या क्वेश्चंस है, व्हाट पेन हैव यू एक्सपीरियंस्ड, पिछले दिनों में किन किन बातों से तुमको ठेस पहुंची है। एंड देन मे बी आप 2 घंटे उसी की बात करोगे, किन किन बातों से तुम्हारा दिल टूटा, किन बातों से तुम्हें ठेस पहुंची है, चर्च में, कलीसियाओं में, पास्टर के द्वारा, स्कूल में, ऑफिस में, गली में, पड़ोसियों के साथ, किन चीजों ने तुम्हारे दिल को तोड़ा है। वो आपसे सवाल पूछ सकता है और आप शेयर करें। इन चीजों में हमारा निर्माण होता है, जब हमारे घावों को भरने के लिए प्रभु किसी को भेज देता है, वो चीजें हेल्पफुल होती हैं। किस प्रकार भविष्य में अपने आप को देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो भविष्य में। दूसरा, आपका मेंटर आपसे, आपकी करेक्शन करेगा, आपकी, आपको कन्फ्रंटेशन करेगा, मतलब आप गलत कर रहे हो, आपको ठीक रास्ता बताएगा, आपकी गलतियां निकालेगा, आपके साथ झड़प हो जाएगी। झड़प मतलब बताएगा वो आपको, तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये उचित नहीं था, इसकी जरूरत क्या थी, इस प्रकार वो आपसे बात करेगा। Then he will focus on your relationship with people, लोगों के साथ, किन किन लोगों को तुम पसंद नहीं करते हो, चर्च में कौन कौन है, स्कूल में कौन कौन है, ऑफिस में कौन कौन है, पड़ोस में कौन कौन है जिनको आप पसंद नहीं करते हो। क्या हम कुछ कर सकते हैं उसके साथ आपका रिश्ता ठीक होने के लिए, या क्या वो कारण उचित है कि आप उससे दूरी बना के रखो, लेकिन नफरत मत करो, बस दूरी बना के रखो। उस चीज को जांचना पड़ेगा कि चर्च में कौन है जिनको देख करके आपको खुजली होती है या आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी बातें वो आपसे खुल के करेगा। बाय द वे, एक चीज और यहां पे जो मैंने नहीं लिखी थी लेकिन जो थी मेरे मन में, वो ये कि आप ये नहीं कि गुरु फिर गुरु ही बन के रहे। समझ में क्या बोल रहा हूं, कि गुरु बड़ा महान है, शिष्य तो छोटा है, इस ये भावना नहीं है, ठीक है ना, कि वो आए आपके पैर छुए पहले तो ही, इट्स नॉट दैट। हमने सिर्फ नाम दे दिया गुरु, लेकिन गुरु भी अपनी कमजोरियां बता सकता है, गुरु भी अपने एक्सपीरियंसेस को बता सकता है। वहां से शिष्य बता रहा है उसने मेरा दिल तोड़ा, तो फिर गुरु के भी आंखों में आंसू आ गए। कहने का मतलब गुरु अपने अनुभव बताएगा कि इस चर्च, मतलब ऐसे होता है, मेरे साथ भी हुआ है। हीलिंग दोनों को चाहिए, ये नहीं कि जो आपका गुरु है वो बड़े बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट से आया है, उस वो तो उचित है, उत्तम है, He has no pains, no discouragements. He actually, I believe, ये एक समय आता है relationship में जब ये two way हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होता है। आप भी, गुरु भी अपने दुखों को बताए, अपनी परेशानियों को बताए, अपने struggles को बताए, और मिलके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। So anyway, you can also initiate. मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी initiate कर सकते हो कि क्या आप मेरे mentor बनेंगे या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये आप भी स्टार्ट इनिशिएट कर सकते हो। दूसरा, ट्रीट द पर्सन यू आर मेंटरिंग एज योर फैमिली फ्रेंड, और एज योर सन, एज योर डॉटर, एज योर ब्रदर, एज योर सिस्टर, एक्सेप्ट योर स्पाउस, एवरीथिंग एल्स इज फाइन। मतलब जिसको आप मेंटर कर रहे हो उसको अपने जीवन का करीबी अंग बना के रखें, अपना भाई बहन, माता पिता, उस प्रकार उतने क्लोजली आप उसके साथ काम कर सकते हैं। ये ऐसी मिनिस्ट्री है जो बंद कमरे में ही होती है या जो कलीसिया के स्टेज पर नहीं होती है, और इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा कि प्रखर 3 लड़कों को मेंटर कर रहा है, और किसी को पता भी नहीं है, लेकिन प्रखर को हफ्ते में 3 घंटे कम से कम निकालने पड़ रहे हैं, एक एक घंटा एक और 3 घंटे प्रखर के जा रहे हैं। बट वचन क्या बोलता है प्रखर को, स्टैंडर्ड्स क्या बोल रहे हैं प्रखर को और मुझको और सारे मेंटर्स को, कि तुम थोड़ी मेंटर कर रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं इन 3 लोगों को, मैं उनका गुरु हूं, या देखो मैं इतना टाइम निकाल रहा हूं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे चर्च में जिस प्रकार शिष्यता का माहौल होना चाहिए था, मैंने खुद महसूस किया है इस प्रकार का माहौल आज तक हमने नहीं रखा सत्संग में। मुझे एक नई आशा मिली है हमारे चर्च के लिए कि ये तरीका बेस्ट है कि हम एक दूसरे के साथ मिलके क्लोजली काम करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी होगा। अपने डिसाइपल को, अपने चेले को, जिसको आप शिष्य बना रहे हो, उसको ये महसूस ना हो कि आप उसको एक
प्रोजेक्ट या एक कोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हो कि एक कोर्स है जो पूरा करना है, वो नहीं। उसको लगे कि ये व्यक्ति सचमुच मेरे भलाई की कामना करता है और उसके लिए मेहनत करता है। दो लोग जो मेंटरिंग कर रहे हैं, उनमें से एक की हैबिट है बोलने की, तो क्या होगा, वो मिलते हैं और पता चले कि दो घंटे ये भाई आता है, लेक्चर देके चला जाता है। शांत रह के उस भाई के अनुभव को सुनो, उस भाई के एक्सपीरियंस को या उस बहन के अनुभव को सुनो, क्या हुआ उसके साथ, सुनने वाला कान रखो। जब आप मिलते हो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दो, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दो, हफ्ते में एक बार, या हफ्ते में एक बार, एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, नॉर्मली इट्स नॉट वेरी दिस टू दिस, ये तो बस एक रिश्ता है जो चलता है, जिसमें रोज भी मिल सकते हैं आधे घंटे के लिए, इट डिपेंड्स, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बेसिकली इट्स अ ऑन गोइंग रिलेशनशिप, ये ऐसा रिश्ता है जो चल रहा है, लगातार चल रहा है, कंसिस्टेंट रिलेशनशिप है। लेकिन जब मिलते हो तो फिर ऐसा ना हो कि एक बंदा पूरे प्रार्थना तैयारी जोश के साथ, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल ही बड़ी मुश्किल से उसे घर से खींच के लेके जाना पड़ रहा है। कभी कभी वो नौबत होती है, एक्चुअली करना पड़ता है, लेकिन दोनों तरफ से वो इंटरेस्ट दिखाएं और प्रेपरेशन करें। ये सिर्फ मैंने लिखा है, कंपलसरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा, लेकिन अपने थॉट्स को लिख लें, जो जो भी आपके मन में थॉट्स आए, कोई सवाल आया। बहुत बार क्या होता है कि संडे को ही हम सब डिस्कशन करना चाहते हैं या नए आइडियाज जो भी, नहीं, आप लिख लें और उसको फिर जब आप मिलते हो अपने मेंटर से, उन सारे ख्यालातों को, सारे डाउट्स को, क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर सकते हो। कन्फेस योर वीकनेसेस, अपनी कमजोरियां, अपने पाप, उसको खुल के बता दें। अपने बिगेस्ट चैलेंजेस, जो चीज़ें आपके लिए बड़ी चैलेंज बन के आती हैं, उनको ऑनेस्टली उसके साथ बता दें और उसको बोलें आप मेरी मदद करो। सीक प्रैक्टिकल हेल्प, सीक प्रेयर, सीक सपोर्ट, सीक कंपेनियनशिप इन दैट। प्रार्थना में आगे बढ़ें और भरोसा रखें कि प्रभु इस माध्यम से आपके चरित्र को स्ट्रांग बना सकता है।